वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 3 फरवरी 2020 और लगाते हैं 3 फरवरी 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय बजट 2020-21 निम्नलिखित में से किन विषयों पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, तो देखिए वो उम्मीदों का भारत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज, इन तीनों जो है उद्देश्यों पर आधारित है, इन तीनों विषयों पर आधारित है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया है और केंद्रीय बजट 2020-21 के मुख्य बिंदुओं में से एक ऐसे महत्वाकांक्षी भारत की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया है जहाँ समाज के सभी हिस्सों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार तक पहुंच के साथ साथ बेहतर जीवन स्तर मिले। इस बार का केंद्रीय बजट 21-20 तीन विषयों पर आधारित है, उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज। क्वेश्चन नंबर 2 है, उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। कितने हवाई अड्डों को पुनर्विकसित किया जाएगा? 100 हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। तो देखिए उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। इसी अवधि के दौरान हवाई जहाज़ों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान ने जैव जेट ईंधन से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की। किसने की है? किस भारतीय वायुसेना के विमान ने जैव जेट मतलब बायोजेट ईंधन से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो देखिए चेतक नहीं है, चीता नहीं है, मिराज भी नहीं है, ये है AAN-32। तो भारतीय वायुसेना के AAN-32 विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह पहला मौका था जब किसी विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से कार्य कर रहे थे। जैव ईंधन वृक्षों द्वारा प्राप्त तेल की सहायता से तैयार किया जाएगा और ईंधन के लिए कच्चे माल को छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में उगाया और प्राप्त किया जाता है। देखिए यह कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार साबित होगा। अब बात आती है इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना। तो एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? सबसे बड़ी पोस्ट है ये, राकेश कुमार भदौरिया। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? द ग्लोरी दैट टच द स्काई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2020 के राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर रूबी गुला और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जिसको बोलते हैं कलगी बुलबुल का अनावरण किसने किया है? गुवाहाटी, नई दिल्ली या गोवा? देखिए किया गोवा ने, गोवा में ही होंगे ना ये नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल। तो गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले 2020 के राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर कौन कौन है? एक तो है रूबी गुला और दूसरा है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल मतलब कलगी बुलबुल का अनावरण किया है। और कलगी बुलबुल गोवा का राज्य पक्षी भी है। गोवा 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करेगा। क्योंकि गोवा करेगा तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री का भी नाम याद रखिएगा, किरेन रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार डैश का निधन हो गया। वह महिलाओं को समान अधिकार दिलाने वाले अपने साहसी प्रयासों के लिए जानी जाती थी। वह महिलाओं को पुरुषों समान दर्जा दिलाने के लिए लड़ने वाली अग्रणी सेनानी थी। यही थी, इनका नाम क्या है बताइए? इनका नाम है विद्या बाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार विद्या बाल का निधन हो गया। वह महिलाओं को समान अधिकार दिलाने वाले
अपने साहसी प्रयासों के लिए जानी जाती थी। वह महिलाओं को पुरुषों समान दर्जा दिलाने के लिए लड़ने वाली अग्रणी सेनानी थी। उन्होंने सभी हिंदू धार्मिक स्थानों में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए कानून लागू करने की मांग करते हुए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। उनकी दया याचिका, जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं, महाराष्ट्र हिंदू पैलेस ऑफ उपासना अधिनियम 1956 के तहत सनी सिंगनापुर मंदिर में महिलाओं के प्रतिबंध के खिलाफ थी। उन्होंने मंदिर में प्रवेश के अलावा महिलाओं के अधिकार के मामले भी उठाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोरोना वायरस देखिए बहुत फैला हुआ है, कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया है, किसने किया है? ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। WHO ने आपातकाल की घोषणा कोरोना वायरस के 18 अन्य देशों में फैलने के कारण की है, जबकि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। साथ ही यह बीमारी मानव से मानव के संपर्क में फैल रही है। WHO के अनुसार पूरे विश्व में 7,711 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है और 12,167 संदिग्ध मामलों की जाँच की जा रही है। इस बीमारी के फैलने से इंटरनेशनल कंसर्न के पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी के मापदंड पूरे हुए हैं, इसी आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2020 के लिए ये पूछा ही जाएगा, 90% से ऊपर इसके चांस हैं। और सबसे ज़्यादा इस बीमारी को स्प्रीड फैला रही हैं कौन? एयरलाइंस कनेक्ट करती हैं इस देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से इस देश में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा। तो मास्क का यूज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि वह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं, विकसित कर रहा है, जिनकी जो लागत है लगभग 30 करोड़ से 35 करोड़ होगी। ये कम लागत वाले प्रक्षेपण यान 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को कक्षा में भेजने में सक्षम होंगे। कौन कर रहा है? तो DRDO नहीं है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी नहीं है, नासा नहीं है। ये सस्ते का काम कौन कर सकता है? इसरो, मतलब काफ़ी पैसा इन्होंने मंगलयान के दौरान भी बचाया। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि वह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है, जिनकी लागत कितनी होगी? 30 से 35 करोड़ होगी। ये बहुत कम लागत है लॉन्च व्हीकल बनाने के मामले में, और ये कम लागत जो है प्रक्षेपण यान वाले, कम लागत वाले प्रक्षेपण यान 500 किलोग्राम वजन वाले जो सैटेलाइट हैं उनको ऊपर भेजने में सक्षम होंगे। और यह क्षमता इसरो को एक बड़ा वाणिज्यिक बढ़ावा देगी, क्योंकि यह बाजार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम खंडों को पूरा करने में सक्षम होगा। और यह है कि देखिए, अब इसरो केवल 3 सप्ताह में इन वाहनों का निर्माण कर सकता है। बात आती है इसरो की, तो निदेशक सभी को पता होगा के शिवन है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, स्थापित हुआ था कब? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, कौन जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे? तो योजना आयोग नहीं करता और प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं करता, इसको तो हटाकर नीति आयोग हो गया ना, तो ये तो वैसे भी नहीं करेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भी नहीं करती, तो वित्त मंत्रालय इसको करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 पेश किया है। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय क्या है? बाजार को सक्षम बनाना, व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी। तो देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाती है। और जिनकी हत्या आज ही के दिन, मतलब 30 जनवरी के दिन 1948 में कर दी गई थी, इस दिन को फ्रांसीसी मानवीय राउल कोलेरो
ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना था, जिन्होंने कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और वर्ष 2020 के वर्ल्ड लेप्रोसी डे का विषय है लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार अब 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? यदि आप कमाते हैं सालाना 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना होगा 10%। अब 10% करना होगा, अभी तक कितना था? यह 20% था, लेकिन इसको 20% से कम कर दिया गया है 10%। तो अपनी अपनी इनकम के अनुसार देख लीजिए, अगर आप कमाते हो 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तो अब आपको देने होंगे 10% इनकम टैक्स, और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में कमाते हो तो 15% टैक्स देना होगा, और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए के बीच कमाते हो तो आपको 20% टैक्स देना होगा, 12.5 से 15 लाख के बीच कमाते हो आपको 25% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर यदि आप कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अब है आज का सवाल, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? संप्रीति 2020 कौन सा संस्करण होगा? 8वां, 10वां, 9वां या 7वां? धन्यवाद।